यह आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय पर केंद्रित रूपक तमसो मा ज्ञानरगमय। आलेख ओम प्रकाश पांडे, प्रस्तुतकर्ता अलका प्रियदर्शनी। खंडहरों के सीने पर हरी हरी उगी उगी घास है, उनके भीतर भी झांको तो सुखद सुंदर जीवन की आस है। ईंट ईंट की बातें बोलता हूँ, इतिहास की परत दर परत खोलता हूँ। आप हैं कौन, क्या कहना चाहते हैं? अगर इतिहास का नाम सुना है तो मैं उसी का एक पन्ना हूँ। तो क्या है इतिहास के पन्नों में? नालंदा विश्वविद्यालय संसार शिक्षा का देवालय। पुत्र, आज स्वेच्छा से कोई श्लोक सुनाना, ताकि चित्त प्रफुल्लित हो उठे और वातावरण में प्रसन्नता पहुंचे। अयम निजः पर्वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्या ददाति विनयम्, नमन्ति सफलाम वृक्षा। ये थे विद्या के उपासक, नालंदा की गोद में शिक्षा की तपस्या करते हुए सदाचारी, आज इस विद्या मंदिर के अजर अमर खंडहर की सबसे ऊंची दीवार पर उगे नीचे झांकते हुए बोल रहे हैं हम खर और पतवार। हम ही अपने साथी संगियों के साथ विरासतों को ढक ढक बचाते आए हैं। अब इसकी कथा शुरू करते हैं। पहले कल की बातें, फिर आज की। कल काफी बुलंद था, यूं बुलंदी आज भी है। ऊर्जा अभी भी ऐसी विशेष है कि चमक बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी। आज भी ईंटों के रंग सुर्ख हैं, माटी भी मस्त है। ज्ञान तपस्वियों की साधना स्थली ऐसी ही हुआ करती है। आए पहले नालंदा का अर्थ जान ले। नालंदा यानी ज्ञान दाता, अर्थात नालम यानी कमल, ज्ञान का प्रतीक, और दा यानी देना। विश्वविद्यालय अर्थात विद्या का वो आलय, जहाँ विश्व भर से ज्ञान पिपासु पधारा करते हो। इसके जनक थे कुमार गुप्त प्रथम, 415 से 454 ईसा पूर्व नालंदा का जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक आचार्य यानी शिक्षादाता थे, और शिक्षा प्राप्तकर्ताओं की संख्या थी 10,000 के करीब। इस भारत भूमि पर ज्ञान सागर की ज्ञान त्रिवेणी थी, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा। देखो जरा उस ओर देखो, लगता है कोई विदेशी मेहमान निहार रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि मैं हूँ खर और ये मेरा संगी है पतवार। दोनों की ओर से आपका इस पावन भूमि पर बहुत ही स्वागत है।
क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? यस माई डियर, आई वॉन्ट टू नो डैट थिंग। ओके सर। कल गांव थे हुए जो आज शहर, ये अमीट इतिहास के घर, खड़े हैं सभी खंडर, काल से ताल ठोकते शाम सुबह दोपहर। कल गांव थे हुए जो आज शहर, ये अमीट इतिहास के घर, खड़े हैं सभी खंडर, काल से ताल ठोकते शाम सुबह दोपहर। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ से लगभग 88-89 किलोमीटर पर पूर्व दक्षिण में अवस्थित है नालंदा। इसकी खोज कनिंघम ने की थी। अपनी यात्रा के लिए मशहूर इतिहास पुरुष वेनसांग और इत्सिंग द्वारा वर्णित गौरव गाथा से इसकी विश्व स्तरीय महत्ता स्वयं सिद्ध है। 691 ईस्वी में इत्सिंग रचित भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण मशहूर रचना है, जिसमें विक्रमशिला के साथ साथ नालंदा भी सविस्तर सुशोभित है। ईस्वी सन 675 में समुद्री मार्ग से सुमात्रा होते हुए इत्सिंग का हिंदुस्तान आगमन हुआ था। विश्वविद्यालय सिरमौर नालंदा की चमक थमक ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने समस्त नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करवाकर खाक कर दिया था। अत्यंत समृद्ध पुस्तकालय धर्म गूंज को भी उसने नहीं छोड़ा। अनमोल ग्रंथ इतने कि 5-6 महीने तक वे जलते रह गए थे। उनमें दर्ज अनगिनत ज्ञान की बातें अब कहां, क्या पता क्या क्या थी उनमें, सभी खाक हो गए। असंख्य बहुमूल्य पांडुलिपियां भी राख हो गईं। कई विद्वान, भिक्षुक और वैद्य तक मरवा दिए गए। ये लगभग 1193 ईस्वी की बात है। बातें पुरानी होने से बातों में बहुत सी बातें बढ़ती हैं, घटती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं। इसीलिए इतिहास में कुछ अनुसंधान और कुछ अनुमान से मोल आंके जाते हैं। तकरीबन 700 सालों का मुकम्मल जीवन मिला था उस नालंदा विश्वविद्यालय को, जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने एक से अधिक बार पधारने की महती कृपा की थी। नाना पहाड़ियों, गर्म कुंडों और मन भावन लोक लुभावन प्राकृतिक सुषमा की गोद में, तपस्वियों की साधना स्थली में धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा और सबक सहित सद्भावना और शांति ही मुख्य ध्येय था। शांति यानी बुद्ध, बुद्ध अर्थात शांति संदेश। प्राचीन और अर्वाचीन में समन्वय ही समय के साथ चलना कहलाता है। प्राचीन की प्राचीनता बनी रहे, मगर नए रंग रोगन में वो छलके। इसी सोच को लेकर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1948 ईस्वी में नवनालंदा महाविहार की बुनियाद डाली थी। डॉक्टर श्रीकांत सिंह डीन बताते हैं, भिक्षु जगदीश काश्यप
जो उनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे वो आकर के इस जगह तलाश ली। उनकी मुलाकात इस्लामपुर के नवाब से होती है। उन्होंने 11 एकड़ जमीन नौनालंदा महाविहार के नाम से दान किया और उसी पर आज ये अकादमिक जो परिसर है हमारा, इसको देख रहे हैं। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय समझ करके ही लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। आज ये विश्वविद्यालय 9 विषयों में MA और PhD का कोर्स ऑफर कर रहा है, जिसमें पाली, एंशेंट हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तिब्बतन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, चाइनीज स्टडीज आदि विषय हैं। कई विषयों में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स भी चलाए जाते हैं और हेरिटेज प्रिजर्वेशन के साथ साथ हमारे करिकुलम को भी हम लोगों ने बहुत ही मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के साथ समन्वित करने का कोशिश किया है ताकि उनको जॉब मिले। ऐसी व्यवस्था हमने करिकुलम में की हुई है, विद्यार्थियों को एक जीवन दृष्टि मिले, फिर जीवन के जिस क्षेत्र में जाए वो पहले तो बढ़िया मनुष्य बन जाए ताकि समाज के लिए जहाँ भी रहे उपयोगी साबित हो। सांस्कृतिक केंद्र में हमारा आज ध्यान केंद्र है, जहाँ 10 दिन का ध्यान कोर्स करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आज भी आते हैं। और उसी सांस्कृतिक परिसर में हमारा बुद्धिस्ट थीम पार्क है, आर्ट विलेज है, 2 एम्फी थिएटर है और स्वयंसांग का मेमोरियल है। हमारा संस्थान एक तरह से बुद्धिस्टिक इथॉस पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अनबुद्धिस्टिक हो जाएगा। जो था वो बनते बनते बना, समय के साथ जगा, समय के साथ पगा, उसे उसी रूप में फिर से पाना तो कदापि संभव नहीं, लेकिन उसके पास पहुंचने की कोशिश तो की ही जा सकती है। इसी कोशिश में लगे लोग हैं, विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, बातें जिला, प्रांत, देश से बाहर जाने लगी हैं, लुभाने लगी हैं, छात्र आने लगे हैं, छात्राएं आने लगी हैं। आप स्वयं सुन लें इनसे इनकी बातें। Namaskar, Sumbana, Myanmar. Find most of the things are really amazing and incredible. My name is Ananda. I come from Myanmar. Teaching class also regular class. यहाँ सीखना से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा facility. This is one of the best university, I think. Yes, very concerned with our Buddhist religion also. Sredina Chakma, Arunachal Pradesh. पाली लैंग्वेज में टीचर बनना चाहते हैं। मेरा नाम दीपा है। हम भी अरुणाचल से। शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। टीचर लोग प्रोफेसर MA करेगा, उसके बाद हम लोग का एम्बिशन है कि टीचर बनना है। वहीं आज नए विषयों के भी उच्चाध्ययन की संतोषप्रद बातें हैं, जबकि इतिहास के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा के कारण हम प्राचीनता को नवीनता से संबद्ध कर सामंजस्य स्थापित कर ही चुके हैं। ऐसे सर्वप्रिय बुद्ध, लोकप्रिय बुद्ध, जनप्रिय बुद्ध, विश्वप्रिय बुद्ध आज और भी प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज दुनिया में शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए। बस इसी इंसानी सुकून के वास्ते बिहार सरकार भी सतत सक्रिय है, तो केंद्र सरकार भी भगवान बुद्ध की आभा से राष्ट्र की एकता और अखंडता को सामाजिक सद्भाव से और भी सबलता प्रदान करने की दिशा में लगातार लगी हुई है। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2014 के सितंबर में नए सत्र का आरंभ हुआ था। पहले से कहीं ज्यादा आज जरूरत हो गई है बुद्ध के शांति संदेश को जन जन तक पहुंचाने की और प्रकृति की सहजता को बचाए रखने की। पर्यावरण को शुद्ध रखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर नालंदा विश्वविद्यालय का ध्यान
विशेष रूप से केंद्रित है। स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर और डीन सोमनाथ बांधोपाध्याय कहते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज के साथ साथ हम एप्लीकेशन भी देखना चाहेंगे। उसी तरह से हम सोच रहे हैं इसको लोग को अपनी पर्यावरण के एक इंटीग्रल पार्ट दोबारा किस तरह से बनाए। शहरीकरण हो रही है तो ये शहर में हम कई समय भूल जाते हैं कि कहाँ से खाना बनता है, कहाँ से हमारे पानी आती है, कहाँ हमारा कचरा जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हम फिर से लाना पड़ेगा, लेकिन एक अर्बन सिस्टम के अंदर एक होलिस्टिक विजन है, और ये होलिस्टिक विजन के ऊपर हम सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स, सारे करिकुलम, इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कैंपस जो है ये एक नेट ज़ीरो कैंपस है, और ये नेट ज़ीरो कैंपस इसलिए हम बना रहे हैं कि यहाँ पे न कुछ बाहर से आएगी न कुछ बाहर जाएगी, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अल्टीमेटली खाना भी हो। तो ये सस्टेनेबिलिटी की एक मिसाल बनने की जरूरी है। प्राचीन विश्वविद्यालय से कोई 12-13 किलोमीटर पर 450 एकड़ अधिकृत भूमि पर नव निर्माण जारी है, और सुनहरे भविष्य की किरणें अभी से नजर आने लगी है। तनिक फिर पीछे झांके, आह क्या थी खूबसूरती, और क्या था उस काल का वास्तुशास्त्र कि किसी भी प्रतिकूल मौसम का प्रभाव शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थियों पर पड़ता ही नहीं था। आज भी खंडहर की ताजगी अचरज में डालती है, तो अपनी बुलंदी पर ये इमारत कैसी रही होगी। आखिर वो कौन सा विज्ञान था जिसने सुदूर घने जंगलों, पहाड़ों जैसे क्षेत्रों में भी खड़े रखकर आज तक टिकाऊ बनाए रखा। सोचने की बात है, समझने की बात है, सीखने की बात है। 450 ईस्वी में स्थापित निर्मित अद्भुत विश्वविद्या केंद्र के पुरोधा थे कुमार गुप्त प्रथम। अगस्त 2010 ईस्वी को भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर बने थे। वर्तमान में प्रोफेसर सुनैना सिंह कुलपति का पदभार सुशोभित कर रही हैं। आइए सुनते हैं प्रोफेसर सुनैना सिंह से कुछ इतिहास, कुछ विकास और भी विकास के प्रयास की बातें। मिशन बदल गया है, अब हम देख रहे हैं कि ये इट इज इंटरनेशनल बिकॉज सभी साथ आए हैं। तो वी आर सेइंग इट इज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड हार्मनी, टू हैव अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द यूनिवर्सिटी। हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एंशिएंट नालंदा को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है, हम उससे सीख ले सकते हैं। ये सारे एशिया के स्कॉलर्स, मॉन्क्स जब आते थे यहाँ पर तो कुछ तो रहा होगा। सो नालंदा आज भी आई बिलीव द वेरी वर्ड इज मैजिकल। इसमें कोई जादुई ताकत है जो लोगों को एकदम अचंभित कर देती है और आकर्षित भी करती है कि आप कुछ नया सीखें। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेटिव लर्निंग इन नालंदा। तो इसमें क्या है कि अगर नॉलेज रूट लें हम प्रोग्रेस के लिए, तो वी कैन क्रिएट ए रिनेसांट
रोड मैप। तो एक नया रोड मैप आएगा तो जिसमें फाउंडेशन रहेगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, पीस एंड हार्मनी, एंड देन हम वी आर क्रिएटिंग अ न्यू स्टोरी फॉर नालंदा। सो यहाँ पर हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस स्टोरी? थ्रू नॉलेज शेयरिंग, थ्रू कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल डायलॉग बिटवीन एशिया, एंड ऑल्सो एज अ इंटर एंड इंट्रा एशिया लिंकेजेस। तो वी आर क्रिएटिंग अ नॉलेज ब्रिज। 2014 में कोर्सेस शुरू हुए नालंदा में। तीन स्कूल्स स्टार्ट किए गए थे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल स्टडीज एंड कंपैरेटिव रिलीजन। अब कंपैरेटिव रिलीजन में हमने फोकस बुद्धिस्ट स्टडीज पे किया और वहां से शुरू किया। 2016 में आया, वी स्टार्ट विद द स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज कमिंग एकेडमिक ईयर। एज इट इज हमारे स्टैट्यूट्स में 7 स्कूल हैं, 7 में 3 हैं, अभी चौथा हम स्टार्ट करने वाले हैं और 3 हैं। तो इन कमिंग ईयर्स वी विल स्टार्ट ऑल द स्कूल्स एंड मेक अ प्लान फॉर न्यू स्कूल्स टू कम अप। अभी तो अबाउट 23 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो अगले 3-4 वर्षों में काफी चेंजेस आएंगे। वी विल मूव अलोंग विद टाइम्स एंड बी अ लिटिल मोर एडवांस्ड टू टाइम्स। 38% ऑफ अ फैकल्टी आर इंटरनेशनल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अभी तो फाउंडेशंस ही लग रहे हैं ना, एंड आई एम होपिंग धर्म गूंज था नाम लाइब्रेरी का नालंदा में, हम यही नाम रखेंगे इस लाइब्रेरी का भी। वी विल हैव डिफरेंट ह्यूमैनिटीज लैब, लैंग्वेज लैब, इकोलॉजी लैब, हर स्कूल की एक अलग लैब रहेगी वहाँ पर, जहाँ स्टूडेंट्स कैन लुक एट एक्सेस एंड वर्क ऑन इट। तो इसके प्लान्स तो बड़े उम्दा हैं। अभी तो वी सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर नालंदा। सदियों की सफलता, कुशलता का इतिहास, साधक और शिक्षा संस्कृति के साधना केंद्र की बातें महज मिनटों में या चंद पन्नों में चित्रित कर देना संभव है क्या? कुछ अनुसंधान, कुछ अनुमान, इतिहास है प्रकाश। कुछ पर्दे पड़े रह जाते हैं, कुछ नीचे छुपी रह जाती है बातें बहुत सी खास। चलिए वर्तमान में शिक्षारत छात्र आदित्य चतुर्वेदी की बातें सुनते हैं। नालंदा का नाम सुनकर ही पता था कि यही एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां शिक्षा को एक नई मौलिकता के साथ परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था वो केवल एक इंटेलेक्चुअल ज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अनुभव सिद्धि हो सके। और देखिए, जो विश्वविद्यालय जिस तरीके से अभी उभर रहा है वह एक तरीके से भारतीय संस्कृति का परिचायक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जो संपूर्ण वसुधा को जिन्होंने एक कुटुंब की तरह हमेशा परिकल्पित किया है, ऐसे देश के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी जब है, विश्वविद्यालय है, तो इसमें इंटीग्रेशन नेचुरली आता है। ये कोई एक्ट नहीं है जो कि किसी को करना पड़ेगा, बल्कि ये हम में ऑलरेडी है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके पढ़ने से। तो नालंदा में जो एक खास बात है वो यह है कि यहाँ पे आपको बहुत जगह मिलती है अपना खुद का रिसर्च करने के लिए। जो कोई भी यहाँ आएगा वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, ये तो है ही। अलौकिक ज्ञान उदधि की अखट कथाएं कितनी कही जाए, फहरा रही हैं आज भी सीना चाक कर ज्ञान ध्वजाएं। ताकता है विश्व, हम है स्वागत में नजरे बिछाए। सद्भाव संबल है, आप हमारे द्वार आए, हमको धन्य बनाए, हमको धन्य बनाए। हमारी माटी से शांति समुन्नति के संदेश ले जाकर पूरी धरा पर फैलाए। आप आए, जरूर आए।
अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय पर केंद्रित रूपक तमसो मा ज्ञानरगमय। आलेख ओम प्रकाश पांडे, प्रस्तुतकर्ता अलका प्रियदर्शनी। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी पटना द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।